रुद्रप्रयाग में उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने क्रोंच पर्वत में स्थित कार्तिकेय स्वामी मंदिर में भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा और हवन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दक्षिण भारत से आए शिवाचार्य और गुरुजनों के साथ पूजा अर्चना की। दक्षिण भारत से आए अतिथियों का स्वागत करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहां पर पहुंचे तो गणेश जी को श्रेष्ठ पद दिया गया है, जिसके बाद कार्तिकेय ने अपनी मां पार्वती से नाराज होकर यहां पर तपस्या की। सतपाल महाराज ने कहा कि इसके बाद कार्तिकेय दक्षिण भारत को चले गए, जहाँ उनकी मुरुगन स्वामी के नाम से विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उन्होंने कार्तिक स्वामी मंदिर व कार्तिकेय स्वामी के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। पर कार्तिकेय स्वामी मंदिर में ये भव्य 108 बालमपुरी शंख पूजा यहाँ हो रही है, हवन का आयोजन किया गया है और दक्षिणावर्त जल से जो अभिषेक किया गया कार्तिकेय स्वामी का, और यहाँ पर ये कामना कर रहे हैं कि हमारा देश आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविकता से निवृत्ति प्राप्त करे और हमारा देश आगे बढ़े। ये दक्षिण के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि कार्तिकेय स्वामी ने यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद वो दक्षिण चले गए मुरुगेश्वर स्वामी, और उसके नाम से वो प्रख्यात हो गए। तो दक्षिण में तमिलनाडु में और महाराष्ट्र के अंदर उनके मानने वाले बहुत हैं, कर्नाटक में मानने वाले हैं, दक्षिण में मानने वाले हैं, तो निश्चित रूप में ये स्थान जो है उन्हें आकर्षित करेगा, क्योंकि इसका इतिहास यह है कि जब पृथ्वी का परिक्रमा करने के बाद कार्तिकेय स्वामी यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि गणेश को श्रेष्ठ पद दे दिया गया है, तो माँ से कहा कि माँ मैं तो पृथ्वी का परिक्रमा करके आया हूँ और यह आपने ठीक नहीं किया, और यह कह करके अपना देह जो थी माँ को लौटा दी और अस्थि में चले गए। तो यहाँ पर अस्थि के अंदर उनकी जो है पूजा होती है, तपस्या उन्होंने यहाँ पर की और उसके बाद वो दक्षिण चले गए। तो ये स्थान बहुत टर्निंग पॉइंट का स्थान है और निश्चित रूप में उसके बाद उनकी देश विदेशों में पूजा होती है। तो आज दक्षिण के यहाँ पर शिवाचार्य लोग आए हुए हैं, सभी यहाँ पर गुरुजन आए हुए हैं और यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके जाएंगे कि हमारा देश आगे बढ़े, उत्तराखंड जो है आगे बढ़े। और ये देवभूमि उत्तराखंड के अंदर क्रौंच पर्वत पर कार्तिकेय स्वामी का स्थान जो है, आज ये हम चाहते हैं कि पर्यटन के मानचित्र पे आए, आगे बढ़े और इसके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सतपाल महाराज ने ऐलान किया कि अगस्त मुनि के अगस्त ऋषि कार्तिकेय स्वामी मंदिर और अनुसुईया मंदिर को पर्यटन सर्किट से जोड़ा जाएगा और पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। सतपाल महाराज ने कहा कि कार्तिकेय स्वामी मंदिर के विकसित होने से स्थानीय स्तर पर भी युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस कार्यक्रम में ड्रोन के माध्यम से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा की गई, पद्मश्री शिवमणि और उनके साथियों द्वारा अपनी प्रस्तुति भी दी गई, साथ ही शिवाचार्यों गुरुजनों और अतिथियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर केदारनाथ की विधायक शैला रानी रावत भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट MI न्यूज।